कोरोना महामारी फैलने के बाद से ही हमने देखा बॉलीवुड इंडस्ट्रीज की कई फिल्में ऐसी थी जिनको रोक दिया गया, कईयों की शूटिंग बंद हो गई थी और कई बिल्कुल बनकर तैयार थी लेकिन उनकी रिलीज डेट को अनिश्चित काल तक के लिए टाल दिया गया। जानकारी दे दें कि देश भर के सिनेमाघर बंद होने की वजह से बड़ी फिल्मों को रिलीज पोस्टपोन कर दिया गया। कुछ स्टार्स ने तो फिल्म की रिलीज टालने की बजाय OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करना बेहतर समझा, क्योंकि अपने फैंस के बीच बने रहना उनके लिए लाजमी सी बात है। साल 2020 में कई बड़ी फिल्में OTT पर रिलीज भी हुई तो कहीं वहीं सूर्यवंशी और फिल्म 83 जैसी फिल्मों को अगले साल तक के लिए होल्ड पर डाल दिया है। अक्षय कुमार की कॉप फिल्म सूर्यवंशी और रणवीर सिंह की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 83 की रिलीज डेट को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है, लेकिन दोनों बड़ी फिल्में कब देखने को मिलेंगी इसको लेकर फैंस आशंकाएं लगाए बैठे हैं। ऐसे में तरण आदर्श के लेटेस्ट ट्वीट की माने तो सूर्यवंशी और 83 अगले साल यानी कि 2021 में रिलीज हो सकती है। तरण आदर्श ने दोनों फिल्मों को रिलीज से ये जुड़ा खास ट्वीट किया है। वह लिखते हैं कि सब कक्की और आई साल 2021 के शुरुआती महीनों पर होगी। सबकी नज़रें साल 2021 के शुरुआत के महीने में होगी। ऐसा हो सकता है कि अगले साल सूर्यवंशी और 83 फिल्म थिएटर्स में ही रिलीज़ हो। दोनों फिल्में 31 यानी कि 31 मार्च 2021 से पहले रिलीज होंगी। हालांकि अभी कुछ तय नहीं है। बता दें कि दोनों फिल्मों को लेकर अभी भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। यह अंदाज़ा तरण आदर्श लगाया गया है, लेकिन नए साल में इन दोनों फिल्मों का फैंस बेसब्री से इंतज़ार जरूर करेंगे। लेकिन कोरोना महामारी दिल्ली के राज्य में काफ़ी तेज़ी से फैल रही है और हम साफ देख रहे हैं कि वहाँ के कई केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर तो काफ़ी मुश्किल होता जाएगा। लेकिन बढ़ते समय के साथ साथ उम्मीदें बढ़ेंगी कोरोना वैक्सीन की लेकर, कि कोरोना वैक्सीन जल्द से जल्द बने। अक्षय कुमार बॉलीवुड के एक ऐसे स्टार हैं जिनके पास प्रोजेक्ट्स की लंबी लाइन लगी है। सूर्यवंशी के अलावा बैल बॉटम, अतरंगी रे, राम सेतु जैसी ढेरों फिल्में हैं जिनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में वो नजर आएंगे। नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट।